दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद नीलम बाटा रोड पर ये शराब का ठेका है और यहाँ पर छापा पड़ रहा है। एक्साइज विभाग की टीमें आई हैं, पुलिस की टीमें आई हैं, तमाम यहाँ पर टीमें आई हैं। आप लोग देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है, उधर एक्साइज विभाग की गाड़ी खड़ी है और अंदर छापेमारी चल रही है, तो अंदर हम लेकर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। आप लोग देख रहे हैं टीबीएस शोरूम है, उसके थोड़ा आगे आएंगे। फरीदाबाद कोतवाली थाना भी नजदीक ही पड़ता है और इधर देखिए ठेका है और अंदर ड्रिंकिंग प्लेस आप देख रहे हैं, तो अहाता भी है। अहाते में छापेमारी चल रही है, पुलिस आई, प्रशासन आया है। अंदर चलेंगे, दिखाएंगे किस तरह की छापेमारी यहां पर चल रही है और पता करेंगे यहां पर कुछ अगर गलत पाया गया तो भी पता किया जाएगा। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे। यहां पर अच्छी छापेमारी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं ये शराब की बोतलें हैं, सैंपल लिया जा रहा है इसमें से काफी ये बोतलें हैं। पूरी टीम देखिए कार्रवाई में लगी पड़ी है, तो अभी इनसे बातचीत भी करते हैं, पूछते हैं आखिर यहाँ पर क्या सूचना मिली थी और क्या पाया गया। देखिए सैंपल लिए जा रहे हैं, जितनी भी बोतलें हैं सैंपल लिए जा रहे हैं और मीडिया की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, तो बातचीत भी कर लेंगे, पूछेंगे आखिर यहाँ पर किस तरह की छापेमारी चल रही है। सर नमस्कार, सबसे नमस्कार। अच्छा क्या सूचना है और क्या कार्रवाई हो रही है, आ जाइए अभी आ जाइए। देखिए पिछले आ जाइए, हाँ सर बताइए। पिछले कुछ दिनों से जो एक्साइज विभाग और सीएम फ्लाइंग और हमारी इन्फोर्समेंट ब्यूरो, ये तीनों विभाग मिलके जो अवैध शराब की गतिविधियां हैं उन पे निगरानी रखे हुए थी। आज श्री अनिल कुमार डीटीसी एक्साइज की एक टीम ने यहाँ पे, एक हमारा ठेका है जो नीलम धर्मकांटा के पास, उस पे आज औचक निरीक्षण किया, जिसमें इन्फोर्समेंट ब्यूरो के टीम भी हमारे साथ पहुंची है। सीएम फ्लाइंग के जो इंचार्ज हैं वो भी हमारे साथ पहुंचे हैं और यहाँ मौके पर जो ठेके के ऊपर जो एक इन्होंने हत्या लिया हुआ था, उस हत्ते में इन्होंने कुछ शराब की बोतलें रखी हुई थी जिनको अभी हमने चेक किया है और जो प्राथमिक दृष्टि से देखने पर लग रहा है कि इसमें कुछ बोटल्स पे होलोग्राम नहीं है, तो वहां हो सकता है कि इनमें ड्यूटी की चोरी हो, लेकिन फिर भी हम इनको हर बोतल से हर पेटी से एक सैंपल ले रहे हैं और उनकी जांच के लिए भेजेंगे और जांच में जो चीजें निकल के आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हत्ते का लाइसेंस है सर ये? हाँ, हत्ते का एक्साइज विभाग ने हत्ते का लाइसेंस दे रखा है इस साल के लिए। ठेके के बाहर अगर कोई भी शराब रखी जाती है तो वो इलीगल है। रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए रिपोर्ट मैं कोई एग्जैक्ट टाइम देने में तो अभी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मान के चलिए 15-20 दिन और महीने में ये रिपोर्ट आती है। तो आजकल मिलावटी शराब भी होता है, कई बार ब्रांडेड शराब में जो है ये मिक्स वाली शराब डालकर जो है बेचते हैं, आपने कई बार पकड़ा भी है, कई बार कार्रवाई भी की है, वैसा कुछ यहाँ पर तो नहीं है और जांच करेंगे? नहीं, ये जो आप पूछ रहे हो ये सब जांच का विषय है कि ये मिलावटी है या नहीं है। ये अभी सैंपल लिए जा रहे हैं और जैसे ही इसकी कोई आएगी लैब रिपोर्ट तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक साथ ईडी भी, पुलिस भी, एक्साइज भी, बड़ी कार्रवाई। पहले ही कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम सभी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और जिसके पास जो सूचना मिलती है शेयर करके उस पर हम तुरंत एक्शन लेने की कोशिश कर दें। अभी अगर इसमें 51 बोटल्स हैं वो IFL है, जो इम्पोर्टेड बोटल्स हैं वो एक जांच के दायरे में हैं। उसके अलावा जो बियर हैं उन कुछ बियर्स एक्सपायर हैं, तो अगर टोटल में क्वांटिटी की बात करूं तो वो 2603 जो बोटल्स हैं जिसमें कैन और पिंट्स इस तरह से हैं, कुछ 650 ml की बोटल्स भी हैं, तो टोटल जो क्वांटिटी 2603 बोटल्स हैं और 51 बोटल्स हैं वो इम्पोर्टेड लिकर। तो एक्सपायर बियर कैसे बेची जा रही है, तो क्राइम है एक तरह से? देखिए निश्चित रूप से एक्सपायर बियर बेचना भी एक जुर्म है, तो उसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आगे इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी फरीदाबाद? ये डेफिनेटली ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और जहाँ भी जिस लेवल की वायलेशन मिलेंगी हम पूरी तरह से सख्ती से उस पर कार्रवाई करेंगे। सर मेरा नाम सोमदत्त यादव है, मैं बतौर एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और मैं अनिल जी DTC साहब की टीम में काम कर रहा हूँ, यहाँ उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ छापेमारी की गई थी और ये खेप पकड़ी गई। ठीक है सर, धन्यवाद। एक्सपायर पे क्या कार्रवाई होती है, जैसे एक्सपायर दारू को बेचता है, देखिए एक्सपायर बियर अगर ठेके के अंदर मिलती है तो उसमें तो पेनल्टी का प्रोविजन है जो हम अपने मुख्यालय भेज सकते हैं, उस केस में FIR होगी डेफिनेटली। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत करने का, थैंक यू। देख रहे हैं कार्रवाई चल रही, सैंपल लिए जा रहे हैं, बाकी जो भी रिपोर्ट आएगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल
अभी जांच पड़ताल ही चल रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ एक्सपायर्ड बियर की बोतल्स पाई गई हैं, तो उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। बाकी अगर कुछ शराब में गलत पाया गया तो कार्रवाई हो सकती है। आप लोग देख रहे हैं पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, और आगे जैसे कोई अपडेट मिलती है आपको जरूर बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।